फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेगीस फैमिली उत्तराखंड। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा मैं डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फ्रंट साइड इसकी इसका है, इस तरीके से दिखाई देता है। ये इसमें इसका बैक साइड है, देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन है। हार्डली 6 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है ये। ये जैसे ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सिलाइयों में ये डिज़ाइन बन जाता है, और ये रिपीट पैटर्न यहाँ से यहाँ, ये 6 सिलाइयों का डिज़ाइन। तो 6 सिलाइयों में ये पूरा इस टाइप का ये डिज़ाइन आपको दिखाई देने लग जाएगा। फंदों की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने जो स्टिचेस हैं 6 के मल्टीप्लाई में लेने हैं, और लास्ट के ये एस स्टिच मैंने इसमें लिए हैं, ये 2 स्टिचेस लास्ट के, और प्लस में 2 स्टिचेस और आपको एक्स्ट्रा लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट रो। देखिए, फर्स्ट रो में ये पहला फंदा एस स्टिच का है, मैंने इस तरीके से उतारा। 2 फंदे सीधे, 1 2, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। मैं स्टार्टिंग ही बता रही हूँ कि किसी भी बॉर्डर के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ही स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, अगेन 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर से ये यहाँ पे 2 फंदे इस तरीके से सीधे, लास्ट में हमारे यहाँ पे भी 2 फंदे सीधे ही आएंगे, और ये एस स्टिच का फंदा जो है ये भी हमारा सीधा। तो मैंने इसमें जो है 22 स्टिचेस लिए हैं। चलिए आगे देखिए इसके सेकंड रो। सेकंड रो जो उल्टी तरफ की जितनी भी सिलाइयाँ हैं, जैसे फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हमें बनाने हैं। जैसे ये हमारा एस स्टिच का फंदा है, ये हम ऐसे ही बनाएंगे इस तरीके से। देखिए, इसके बाद हमें यहाँ पे 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको 2 उल्टा बनाएंगे, 2 उल्टे, 4 सीधे, 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पे फिर से 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 फंदे उल्टे, लास्ट स्टिच इस तरीके से हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए, जैसे फर्स्ट और सेकंड रो हमने बनाई है, ऐसे ही हमें थर्ड और फोर्थ रो भी बनानी है। तो मैं थर्ड और फोर्थ रो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारी जब 4 रो कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद देखिए फिफ्थ रो से हमारा यहाँ पे ये इस तरीके से ये पैटर्न हमें डालना है। देखिए किस तरीके से करेंगे, ये फंदा एस स्टिच का इस तरीके से। अब यहाँ जहाँ हमें 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन सीधे फंदों में देखिए ये जो सेंटर में हमें ये रो दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, यहाँ पर इन 2 सीधे फंदों के बीच में यहाँ से हमें इस तरीके से एक लूप देनी है। इसे इस तरीके से चढ़ाएंगे, सिलाई को ऐसे लेंगे धागे में, और इसे हम 2 का इस लूप को 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। एक फंदा ये इस तरीके से आया, फिर से इसी में इसी लूप में हम इस तरीके से करेंगे, एक लूप और बनाएंगे इस तरीके से, इसको लेंगे धागे को खींचेंगे हल्का सा, और इनको भी हम लूप के साथ ही इस फंदे को सीधा बना देंगे। फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, फिर से यहाँ पे हमें यहाँ से लेकर ये वाला जो सेंटर हिस्सा है इसका 1 2 3 4, ये फोर्थ वाले में इस तरीके से डालेंगे, ऐसे एक लूप निकालेंगे, ऐसे 2 का 1 कर देंगे लूप के साथ इस फंदे को इस तरीके से। फिर से एक लूप बनाएंगे इस सीधे फंदे के साथ, फिर से इसे इस तरीके से लेके एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर से 4 फंदे उल्टे,
एक दो तीन चार, फिर से ये हमारा दो सीधे फंदे आ गए। फिर से इस वाले फंदे पे लास्ट में हमें इस तरीके से लूप देनी है, ये इस तरीके से एक फंदा ये सीधा, फिर से लूप देंगे, फिर से ये वाला यहाँ पे ये वाली लूप इस तरीके से इसको लेंगे और ये इस तरीके से लुकाई कर देंगे। फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे। यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हमें इस तरीके से ये लूप देनी है, इस तरीके से लूप देंगे ऐसे, और ये इस तरीके से इसको इसके साथ फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर से एक लूप देंगे, इसे भी इस तरीके से लेंगे और इसके साथ एक फंदा सीधा इसे भी बना लेंगे। लास्ट स्टिच हमारा सीधा। अब देखिए ये हमारी फिफ्थ रो में इस तरीके से हमें बनाना है। चार रो हमें बिल्कुल इसी तरीके से बनानी थी, फिफ्थ रो में हमें इस तरीके से लूप देके सीधे फंदे बनाने हैं। अब देखिए इसमें सिक्स रो में हमें क्या करना है, ये पूरी सिलाई जो है हमारी सीधी ही जाएगी, लेकिन किस तरीके से हमें बनाना है। ये फंदा हमारा स्टिच का है, ये इस तरीके से, ये एक फंदा देखिए जिसपे हमने दो सीधे फंदे बनाए थे इस तरीके से लूप वाले, इसमें से एक फंदा सीधा तो हम स्टिच बुन लेंगे। इसके बाद जो हमने ये वाले एक फंदा ये है, ये बीच में जो हमारे चार सीधे दिख रहे फंदे, इसको हम ओवरलैप करेंगे किस तरीके से। पहले ये वाला फंदा जो आपको दिख रहा है इस तरफ का, ये वाला फंदे दो आगे की तरफ से लेंगे और इस फंदे को जो लूप का फंदा था उसको हम पीछे ले जाएंगे और इन दो फंदों को सीधे को इस तरीके से लेके तीन फंदे ये सीधे बना लेंगे, एक दो, ये दो फंदे सीधे जो इधर से लिए थे वो, और एक फंदा ये लूप वाला, इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे फिर से ये दो लूप के फंदे आ गए। अब एक ये लूप का फंदा हमें यहाँ लाना है और ये दो फंदे पीछे ले जाने हैं, तो इस तरीके से इस लूप के फंदे को हम ऐसे लेंगे और इन दो फंदों को इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे और इस तीन फंदों को इस तरीके से, एक दो और तीन, तीन फंदे इस तरीके से बना लेंगे। अब देखिए फिर से ये फंदा अब इधर आया है, तो ये दो फंदे इस तरफ लाने हैं, तो सिलाई में इस तरीके से इन दो फंदों को आगे की तरफ लेंगे, उसको पीछे ले जाएंगे, इस तरह से सिलाई में लेंगे और ये तीन फंदे, एक दो तीन, ये तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे। फिर से देखिए ये वाला जो फंदा सीधा था, ये वाला, इसको आगे लाएंगे और इन दो को पीछे की तरफ ले जाएंगे, एक दो तीन, इस तरीके से। फिर से देखिए ये फंदा अब यहाँ आया है, तो इसको हम इस यहाँ लाएंगे पीछे की तरफ और इन दो फंदों को आगे, इस तरीके से, एक दो तीन। अब ये वाला फंदा हमारा यहाँ आएगा, तो इस फंदे को इस तरीके से और ये दो फंदे पीछे की तरफ ले जाएंगे, इसे आगे की तरफ लाके इसे, एक दो तीन, इस तरीके से बनाने के बाद ये लास्ट जो हमारा लूप का फंदा है इसको तो हम ऐसे ही बनाएंगे सीधा, और ये स्टिच का फंदा ये भी हम सीधा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें ट्विस्टिंग इस तरीके से दिखाई देने लगती है। ये छह सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर पूरी हो गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो सिक्स रो हमें अब जो ट्विस्ट करना है किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे जो ये बीच के फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमें दो सीधे बनाने हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग के फंदे देखिए किस तरीके से लेना है। पहला फंदा स्टिच का है, तीन फंदे स्टार्टिंग में यहाँ पे उल्टे बनाने हैं, एक दो और ये तीन। देखिए दो फंदे बीच के आ गए, यहाँ पर दो फंदे हमारे सीधे, एक दो, फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, दो फंदे सीधे, एक दो, और यहाँ पे लास्ट के हमारे तीन फंदे ये हम इस तरीके से उल्टे बना लेंगे और लास्ट स्टिच सीधा। इसकी जो सेकंड रो है उल्टी साइड, इसमें जैसे फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हमें
बनाने हैं, तो मैं इसको बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमारी देखिए दो रो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी थर्ड और फोर्थ रो भी ऐसे ही बनेगी जैसे इसमें बनाई थी हमने। बस यहाँ पर क्या था, पहली सिलाई जो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी उसमें हमारे एस स्टिच के बाद दो फंदे सीधे थे, लेकिन जब हम इसको रिपीट करेंगे तो एस स्टिच के बाद तीन फंदे उल्टे फिर दो फंदे सीधे, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो इस वाले में हम स्टार्टिंग में तीन फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे बना रहे हैं। तो मैं इसका थर्ड और फोर्थ रो इस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ और फिफ्थ रो दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी चार रो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए फिफ्थ रो इसकी किस तरीके से करनी है, अगेन वैसे ही हमें लूप बनाने हैं, एक ये स्टिच का, तीन फंदे यहाँ पे हमारे उल्टे हैं स्टार्टिंग में, इस तरीके से तीन फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे। फिर से देखिए ये वाले जो ये सेंटर में हमें दिखाई दे रही है लूप, इसमें हमें फोर्थ वाले पे डाल के इस तरीके से लूप बनानी है। इस तरीके से फिर इसको सीधा ये ऐसे करेंगे, फिर दोबारा इसी में से हम एक और लूप निकालेंगे इस तरीके से, और इस फंदे के साथ हम इसको से सीधा बना लेंगे। फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे। देखिए ये वाले जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन और ये चार, इससे हमें एक ऐसे लूप निकालनी है, ये ऐसे इसको इस तरीके से हम सीधा बनाएंगे, इसको भी सीधा करेंगे इस तरीके से, और इसके साथ इसको लूप को सीधा कर सीधा फंदे के साथ बना लेंगे। फिर से चार फंदे हमारे यहाँ उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे। फिर से देखिए यहाँ पर हमारा ये चौथा लूप जो दिख रहा है ये इस तरीके से, यहाँ से हमें लूप निकालनी है, ये एक फंदा हमारा ये सीधा, फिर से यहाँ लूप बनाएंगे यहाँ से, और ये हमारा ये वाला फंदा इसके साथ इस तरीके से सीधा बना लेंगे। तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा। अब देखिए सिक्स रो हमारी किस तरीके से है यहाँ पे। अब देखिए ये वाले जो लूप के फंदे हैं ये यहाँ पर है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, ये फंदा एस स्टिच का है ऐसे, ये फंदा हम ये लाइन तो हमें सीधी बनानी है, तो सीधा एक सीधा बनाने के बाद ये देखिए ये इधर आ रहा है, तो उसको हम ट्विस्ट करेंगे, इस वाले को आगे लाएंगे और इन दो को इस तरफ ले जाएंगे पीछे की तरफ, एक दो तीन, इसके बाद इन दो फंदों को हम यहाँ लाएंगे आगे की तरफ और इसे पीछे कर देंगे। ये देखिए ऐसे करेंगे, बाद ये तीन फिर से सीधे, एक दो तीन। अब ये वाले को, इस लूप वाले फंदे को आगे लाएंगे और इनको पीछे, फिर से ये तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ये वाला लूप वाला फंदा पीछे जाएगा और ये दो फंदे सीधे आगे आएंगे इस तरीके से, तीन फंदे फिर से सीधे, एक दो तीन। अब यहाँ पे हमारा ये लूप का फंदा आगे आएगा, ये दो पीछे जाएंगे इस तरीके से, एक दो तीन, फिर से ये वाले जो दो फंदे हैं ये आगे आएंगे, लूप का फंदा पीछे, एक दो तीन, और ये फंदा अब हमारा सीधा बनेगा और एस स्टिच का फंदा भी सीधा। तो इस तरीके से ये हमारी 12 सिलाइयाँ जब पूरी होंगी तो ये एक फ्लावर टाइप का यहाँ पे आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए तो आई होप सो कि आज का आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।